Hello and welcome back, guys. I hope you all are doing good. This video is in continuation of episode 4, part 1. अगर आपने part 1 नहीं देखा है तो मैं आपको suggest करूंगी कि आप एक बार part 1 देख लीजिए और फिर part 2 पे आइए, क्योंकि part 1 में हमने बात की थी आप अपने grey hair को आप किस तरह से cover कर सकते हैं, क्या आपको color use करना चाहिए या henna use करनी चाहिए. Color और henna के advantages and disadvantages discuss किए थे और मैं अपना डिसीजन क्यों चेंज कर रही हूँ, क्यों मैं कलर से वापस हिना पे आ रही हूँ, उसके बारे में हमने बात की थी. मैंने आपको उस वीडियो में हिना पेस्ट बनाना सिखाया था, मैं किस तरह से अपना हिना पैक बनाती हूँ अपने ग्रे बालों को कवर करने के लिए, और मैंने अपना एप्लीकेशन मेथड भी आप लोगों से शेयर किया था. तो आज हम बात करते हैं हिना अप्लाई होने के बाद, वॉश करने के बाद आप क्या करें ताकि आपके बालों की क्वालिटी बेटर हो और आपके बाल ड्राई ना हो. जो कि आपने काफ़ी बार सुना होगा कि हिना लगाने से आपके बाल ड्राई हो जाते हैं, दैट इज़ ट्रू. आप देख सकते हैं आज ही मैंने अपना हेयर वॉश किया है, हिना लगाया था सुबह और 2-3 घंटे लगाने के बाद मैंने अपना हेयर वॉश किया है और अब मेरे बाल कुछ इस तरह से दिख रहे हैं जो कि काफ़ी ड्राई है. बट डोंट वरी, अगर आपके बाल ड्राई हैं अपने बालों का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं उनकी, अगर आप केयर अच्छे से करेंगे तो आपके बालों की क्वालिटी ठीक हो जाएगी. इट विल टेक लिटिल टाइम बिकॉज आप कलर से अपना कलर से शिफ्ट कर रही हैं नेचुरल प्रोडक्ट पे, तो बल्कि कुछ टाइम तक, आई मीन 2-3 एप्लीकेशन हिना के एप्लीकेशन तक आपको एक्चुअली कलर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके बालों को कलर की आदत है और एकदम से आप हिना लगाते हैं तो वो एक बिल्डअप टाइप हो जाता है, बाल थोड़े हैवी फील होने लगते हैं, आपको लगेगा कि एकदम से मोटे मोटे बाल क्यों फील हो रहे हैं. दैट इज़ बिकॉज आपके बालों को कलर की आदत थी और अब एक लेयर आपके बालों पे लगी है हिना की, तो वो इस वजह से भी ड्राई और हैवी लगने लगते हैं. बट घबराइए नहीं, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, बालों को भी अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है और इसीलिए कलर आने में भी टाइम लगेगा. तो आपको 1-2 एप्लीकेशन थोड़ा फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा, जैसे कि आज मैंने किया है तो आई विल ट्राई एंड डू नेक्स्ट एप्लीकेशन इन दिस वीक और मे बी इन नेक्स्ट वीक. कलर से हिना पे आ रहे हैं तो आप स्टार्टिंग के कुछ टाइम के लिए 2-3 एप्लीकेशन थोड़ा फ्रीक्वेंटली कर लीजिए ताकि आपके बालों को कलर चढ़ना स्टार्ट हो जाए. तो उसके लिए आप सिर्फ हिना ही लगाइए कुछ टाइम के लिए और नेक्स्ट डे ऑयलिंग करें. जैसे आज हमने अगर मॉर्निंग में कलर किया था, हिना लगाई थी, तो आज हमें दोपहर या शाम को ऑयलिंग करनी है. और ऑयलिंग कैसे करनी है वो मैं ऑलरेडी आपको साथ शेयर कर चुकी हूँ. ऑयलिंग के ऊपर पूरी एक वीडियो मैंने सेल्फ केयर सीरीज में ही बनाई है, एपिसोड 2 है, आप जाके देख सकते हैं कि मैंने क्या उसमें आपके साथ शेयर किया है टिप्स एंड ट्रिक्स. तो आप उसे फॉलो कीजिए और अच्छे से अपने बालों को ऑयलिंग कीजिए. आपके बाल डिहाइड्रेटेड है और उनको नरिशमेंट चाहिए और वो नरिशमेंट उन्हें ऑयल से मिलेगा, इसलिए अच्छे से, खूब अच्छे से तेल लगाइए, मालिश कीजिए और अच्छे से उसको ओवरनाइट रहने दीजिए. नेक्स्ट डे आप उसे हेयर वॉश कर लीजिए. सिर्फ शैम्पू से कंडीशनर करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एक अच्छे शैम्पू से, जो भी आप शैम्पू यूज़ करती हैं वो कर लीजिए एंड लेट इट ड्राई. जब आपके बाल ऑलमोस्ट 70% ड्राई हो जाएं, मतलब आप उसमें इंडिगो पाउडर का एक पेस्ट बनाइए और लगाइए. वो कैसे बनाना है, इंडिगो पाउडर का, जैसे हिना एक पाउडर की फॉर्म में आपको मिलती है, इसी तरह से इंडिगो पाउडर भी आपको आराम से, आसानी से अमेजोन या कहीं से भी आप ले सकते हैं. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर चुकी हूँ पहली वीडियो में भी, और इस वीडियो में भी मैं फिर से शेयर करूँगी, आप उनसे ऑर्डर कर सकते हैं. तो इंडिगो पाउडर लीजिए और उसे नॉर्मल पानी से मिलाइए और उसे लगा लीजिए. इट्स जस्ट दैट सिंपल. कुछ नहीं मिलाना है, कुछ नहीं करना है, वेट नहीं करना है, डेवलप होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है. बस मिलाइए और लगा लीजिए जैसे नॉर्मल आप कलर लगाते हैं. तो उसी तरह से लगाने के बाद आप एटलीस्ट 1.5 आवर उसे छोड़ दीजिए. अगर आप और डार्क कलर चाहती हैं तो 2 घंटे भी आप छोड़ सकती हैं, बट 1 and 1.5 आवर शुड बी मोर देन इनफ. वो लगाने के बाद आप उसे शैम्पू कर लीजिए और कंडीशनर कर लीजिए और आपके बालों का कलर डार्क ब्राउन या ब्लैक आपको मिल जाएगा. तो इस तरह से आप अपने ग्रे हेयर को कवर कर सकती हैं, वो भी नेचुरल वे में, विदाउट गेटिंग टेंस्ड कि मेरे बाल ऑल ग्रे हो रहे हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी और मैं बहुत परेशान थी ये देख के कि मेरे बाल
हर रोज और ज्यादा ग्रे होते जा रहे हैं जस्ट बिकॉज मैं कलर यूज कर रही थी. तो अब मैंने फाइनली एक डिसीजन ले लिया है कि मैं थोड़ा सा टाइम निकालूंगी और मैं थोड़ा और केयर करूंगी और मैं नेचुरली अपने बालों को बेटर करने की कोशिश करूंगी. तो अगर आप भी यही आप भी मेरी तरह कश्मकश में है कि आप कलर यूज करें या है ना, तो मैं सजेस्ट करूंगी आइए नेचुरल वे से चलते हैं और आई एम श्योर रिजल्ट्स विल बी रियली नाइस. सो ये था आज की वीडियो. अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोस बनाती रहे, अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि आप घर में कैसे हेयर मास्क बना सकते हैं, किस तरह से आप अपने बालों की केयर कर सकते हैं, ड्राइनेस को कैसे कम कर सकते हैं, तो ये सब DIYs मैं आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगी. मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव मी अ थंब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टिल वी मीट नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.